नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान क्लासेस जोधपुर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। दोस्तों, आज हम कक्षा अष्टम के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 6 औद्योगिक परिदृश्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले भी हमने दो वीडियो में औद्योगिक परिदृश्य के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। आज हम औद्योगिक परिदृश्य के बारे में भाग 3 के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वर्थ उद्योग की स्थापना करने के पीछे कारण, जो हम बड़े उद्योग स्थापित कर रहे हैं उनके पीछे क्या क्या कारण है। पहला है ऊर्जा के साधनों का विकास करना। जो ऊर्जा के साधन है उन साधनों का क्या करना, विकास करना। दूसरा है पंचवर्षीय योजना को विस्तार प्रदान करना। जो पंचवर्षीय योजना होती है 5 वर्ष की, उस योजनाओं को क्या करना है, विस्तार प्रदान करना है। पानी परिवहन बैंकिंग व्यवस्था के विकास में सहायता प्रदान करना। जो पानी है, परिवहन है, बैंकिंग व्यवस्था के विकास में क्या करना, सहायता प्रदान करना। ये 3 क्या है, बड़े उद्योग की स्थापना करने के पीछे प्रमुख कारण है। आगे हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग। ये विश्व का प्राचीन उद्योगों में से एक है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना, ये विश्व का प्राचीन उद्योगों में से एक है, मतलब बहुत ही पुराना उद्योग है। वर्तमान में सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में होता है। जो सूती वस्त्र हैं वो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, भारत में, तो पहला है महाराष्ट्र में होता है और दूसरा है गुजरात में होता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की क्या कहा जाता है, राजधानी कहा जाता है। जिस प्रकार राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उसी प्रकार सूती वस्त्रों की राजधानी क्या है, मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्र में ढाका की मलमल, ढाका की क्या है, मलमल। मसूलीपट्टनम की छींट, मसूलीपट्टनम की क्या है, छींट। कालीकट की कोलिको, सूरत, बड़ोदरा की सुनहरी जरी आदि के काम विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। जैसे ढाका की मलमल प्रसिद्ध है, मसूलीपट्टनम की छींट है, कालीकट की कोली को प्रसिद्ध है, सूरत, बड़ोदरा की सुनहरी जरी, ये विश्व में भी क्या है, प्रसिद्ध हैं। इस उद्योग की पहली मिल, मतलब सूती वस्त्र की जो पहली मिल अजमेर जिले के बयावर में 1889 ईस्वी में स्थापित की गई थी, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। वस्त्रों की रंगाई, छपाई, बंदेज का कार्य जयपुर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर में की जाती है। राजस्थान के कौन कौन से जिलों में वस्त्रों की रंगाई छपाई की जाती है, आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है जयपुर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर जिलों में की जाती हैं। जयपुर में जोधपुर सिलसिले वस्त्र के प्रमुख केंद्र है, मतलब जो सिले हुए वस्त्रों हैं उस सिले हुए वस्त्रों के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, एक तो जोधपुर है और दूसरा है जयपुर। आगे हैं सीमेंट उद्योग। भारत में सर्वप्रथम 1986 में मद्रास, मद्रास कहाँ पर है, चेन्नई में, समुद्र सीपियों ने सीमेंट बनाने का काम का प्रयास किया। किसने किया था, समुद्र सीपियों द्वारा। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना, ये आपको ध्यान रखना है, 1915 ईस्वी में बूंदी जिले के लाखेरी में खोला गया, तो आपसे पूछ सकता हूँ कहाँ पर खोला गया, बूंदी जिले के लाखेरी में। इस उद्योग का कच्चा माल, मतलब कच्चा माल चूना, पत्थर, जिप्सम और एवं कोयला है। तो कच्चा माल क्या है, एक तो चूना पत्थर है, जिप्सम है और कोयला है। कच्चे माल की उपलब्धि के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। आदर्श जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़। इस उद्योग के प्रमुख कार्य क्या है, भवन का निर्माण करना। हम सबको भी पता है कि सीमेंट किस काम में आती है, भवन निर्माण में। अगला है शक्कर उद्योग। शक्कर उद्योग क्या होता है,
ये कृषि आधारित मौसमी उद्योग, कैसा उद्योग है? मौसमी उद्योग है। इस उद्योग का कच्चा माल गन्ना है। शक्कर किससे बनती है? गन्ने से। तो कच्चा माल क्या है? गन्ना। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के भोपालसर में निजी क्षेत्र स्थापित की हुई थी जो वर्तमान में बंद है। मतलब भोपाल सा जो भोपाल सागर है जो चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर क्या थी? गन्ने की एक मेल थी जो क्या है? अभी वर्तमान में बंद है। बूंदी जिले के केसरोपाटन में शक्कर मिल है जो भी, वो भी क्या है? अभी बंद है। गंगानगर में एक शक्कर मिल है, वो अभी मिल क्या है? चालू है। एक तो केसरोपाटनम और दूसरा है भोपाल सागर, ये दोनों मिल वर्तमान में बंद है। अन्य उद्योग कौन कौन से हैं? इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट उद्योग, ये है कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और अलवर में। रासायनिक उद्योग कहाँ कहाँ पर है? कोटा, अलवर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। कॉपर उद्योग, ये आपको ध्यान रखना है, खेतड़ी, झुंझुनू वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, आपको पता ही है, उदयपुर में है। इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना कहाँ पर है? एक तो भिवाड़ी, पिलाणी और जोधपुर में, ये तीन कारखाने। अब आपको मेन ध्यान रखना है सेज क्या होता है। इसका पूरा नाम स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज सीतापुर जयपुर में है। सबसे बड़ा सेज कहाँ पर है? सीतापुर जयपुर में। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास, जो आर्थिक क्षेत्र है वहाँ पर औद्योगिक विकास करना, रोजगार के साधनों में वृद्धि करना, ये इसका क्या है? उद्देश्य है। आगे है मेक इन इंडिया, ये आपको पता ही है, इसका अर्थ होता है भारत में बनाओ। इसका लाभ क्या होगा मेक इन इंडिया से? भारत में बनी वस्तुओं की कीमत कम होना, जो भारत में बनी वस्तु है उनकी कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। राज्य की आय में क्या होगी? वृद्धि करना, राज्य की आय में वृद्धि करना। इसके उद्देश्य क्या हैं? इस योजना के माध्यम से जीवन में काम आने वाली सभी वस्तुओं का निर्माण भारत में करना है। जो भी हमारे दैनिक जीवन में जो वस्तु हमारे काम आती हैं, उन सारी वस्तुओं का निर्माण कहाँ पर करना है? भारत में करना है। जय हिंद दोस्तों।